थोड़ी देर हम सो ले चार बजे तक 5 मिनट हो गए हमने तो सो लो है छुट्टियां कर ली है बोले भैया लोग आए हैं बाहर ठाड़े हैं पता नहीं कैसा पता चल गो कि हम घर हैं बर्थडे की बधाई देना है कल मेरे बर्थडे आज हम कानपुर चले जाए या फिर हेलो बहुत बड़े फैन है हम लोग आपके बहुत दूर से आए दीदी अब हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं बहुत लोग भैया आए हैं ये भैया इतने लोग भैया मिले बहुत ज्यादा खुशी हुई पहली बार फर्स्ट टाइम शिवानी जी से मिले एक उम्मीद थी जो आज पूरी हो गई है एक सपना था जो पूरा हो गया दीदी मैं भी सीतापुर से आया हूँ 170 किलोमीटर दूर से इससे पहले भी मैं आ चुका था तब मिल नहीं पाया था आपसे आप कानपुर गई थी तो दीदी रात नहीं है बहुत कम रात है मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तब आए थे और कल मेरे बर्थडे भी है दीदी मेरे फॉलोअर्स के लिए कुछ कह दीजिए भैया के फॉलोअर्स इतने देख रहे हैं भैया का लाइक करो कमेंट करो थैंक यू दीदी सो फाइनली गाइस जो सपना था वो पूरा हो गया शिवानी कुमारी जी फाइनली मेरे सामने और बहुत अच्छा लगा मिलके और काफ़ी समय से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पाया दीदी मेरा भी YouTube का चैनल है अभी स्टार्ट किया जल्दी में शहबाज ब्लॉग्स को कह दीजिएगा शहबाज ब्लॉग्स को सपोर्ट कर दीजिए भैया सपोर्ट करो लेकिन आप भी मेहनत करो जी जी मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ सीतापुर से भैया लोग आए हैं आप लोग इन्हें सपोर्ट करो फॉलो करो लाइक करो ए परेशान ना करो भाई यार परेशान ना करो जी वो जब कह रही हैं वो जब बता रही हैं प्यार से फिर भी ये ईशाएँ जो शिवानी कुमारी के ब्लॉग्स में आती हैं इनकी मौसी है शिवानी कुमारी जी उनका हाय बोल देना व्यूअर्स को सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल शहबाज ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग गाइज अच्छे होंगे सो गाइज इस समय मैं हूँ एक बहुत ही फेमस गांव में जिसका नाम है अरियारी जी हाँ गाइज ये गांव शिवानी कुमारी जी का है इस गांव में शिवानी कुमारी जी रहती हैं जो कि बिग बॉस में भी जा चुकी हैं बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं वो और गाइज ये गांव कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गाँव है आगे एक स्कूल भी पढ़ता है जहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी छोटे पर और अभी हम लोग चलेंगे उनके घर पे और पिछले ब्लॉग में जैसा कि आपने देखा था मैं घर गया था और कोशिश करी थी कि उनसे मिल सकूं लेकिन मिल नहीं पाया था क्योंकि वो बाहर गई थी कानपुर गई थी शायद उनकी तबीयत सही नहीं थी सो इस बार पूरी उम्मीद लेके आए गाइस उनसे मुलाकात करने की और एक तमन्ना है मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ और वीडियोज़ वगैरह मैं उनकी काफ़ी देखता हूँ काफ़ी समय से उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ तो चलिए मिलते हैं शिवानी कुमारी जी से इस बार पूरी उम्मीद रहेगी मिलेंगे और अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस ठीक है तो चलिए चलते हैं गाइस ये वही स्कूल है जहाँ पे शिवानी कुमारी ने अपनी पढ़ाई करी थी और ये पूरा स्कूल है और यही रास्ता गई है तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ सो गाइस ये है शिवानी कुमारी जी की कार जो यहाँ खड़ी इनके घर के बाहर और वो उनका घर है पुराना वाला फिर से शिवानी कुमारी जी के घर पे और ये घर है पहले से आप देख लीजिए कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए दूर दूर से लोग आए फिर से मिलने और हम लोग भी काफ़ी दूर से हैं तो एक खुशखबरी तो ये है गाइस वो घर पे हैं अब ये देखते हैं वो मिलना पसंद करेंगे नहीं क्योंकि वो अंदर हैं भीड़ ज़्यादा है ना घर के बाहर और इसलिए चलिए देखते हैं कोशिश पूरी रहेगी उनसे मिल सकें घर पर तो हैं ये कन्फर्म हो चुका है वो घर के अंदर ही हैं और अभी पब्लिक जो है ज़्यादा है इसलिए सामने अभी लेडीज़ कह रही थी ज़्यादा पब्लिक हो जाती हैं तो दिक्कत होती है मिलने में तो चलिए पूरी उम्मीद से कोशिश करते हैं मिल सके उनसे ये सब दीदी से मिलने आए ये भाई हैं काफ़ी दूर से हैं कहाँ से आए आप भाई सिकंदरा से आए हो काफ़ी दूर से हैं हाँ, कानपुर और ये भी काफ़ी दूर से आए मिलने और ये यूट्यूबर नहीं है लेकिन ये इनके फ़ैन हैं बहुत बड़े शिवानी जी के तो मिलने आए अभी ताला बाहर से लगा लेकिन शिवानी जी अंदर हैं अभी देखते हैं मिलती हैं नहीं मिलती हैं और अभी हम लोग घर के बाहर ही खड़े हैं कोशिश यही है कि मिल सकें गाइस बहुत दूर से हम लोग आए सेकेंड टाइम हुआ है आना गाइस हम लोग का आप कितनी देर से हो भाई आधा घंटा हो गया भाई को अभी हम लोग को तो ज़्यादा देर नहीं हुई 10 मिनट हुई है
ये घर का व्यू है, कुछ आपको दिखा दें। ये सब तार वगैरह लग गए हैं भाई घर के बाहर गाइस, और ये मीटर वगैरह भी अभी लग गया जल्दी में ही। और काम वगैरह पिछली बार आया था मैं, आप देख रहे थे, तो काम कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अब पूरा कंप्लीट हो गया काम। सो गाइस, शिवानी कुमारी जो हैं वो घर ही पर हैं, और ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन अभी निकल नहीं रही हैं। पता नहीं कोई कारण हो सकता है, भीड़ वीड़ ज़्यादा हो, इससे पहले भी कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी, कोई शराब पी के आया था, तब वहाँ घर के बाहर लड़ाई वड़ाई हो गई थी, तो इसलिए गलत भी है। और गाइस चलिए, वो मिलना चाहेंगी तो मिलेंगी ज़रूर, क्योंकि सब अच्छे ही लोग आए हैं आज यहाँ पर। और ये बैनर लगा है उनके घर के, नए वाले घर के सामने घर है, ये देख सकते हैं आप, और ये घर है उनका। अब घर जो है गाइस पूरा मेंटेन हो चुका है, और अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं, अब देखते हैं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। सो गाइस अभी और भी लोग आ चुके हैं जो कि काफ़ी दूर दूर से आए, और पब्लिक बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं और भी लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बाहर नहीं आई हैं, वो अंदर ही हैं घर के। चलिए इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, अब इतनी दूर से आए तो वापस तो नहीं जा सकते हैं, मिल के ही जाएंगे। सो गाइस इंतज़ार करते करते अब बज गए हैं 4, और अभी तक भी नहीं निकली हैं, शायद अंदर ही हैं, सो रही हैं या कुछ काम कर रही होंगी अपना। और अभी हम लोग ने थक गए तो मैं बाहर से गया था, मैंने कहा तुम रुक जाओ आयुष, तो मैं स्ट्रिंग ले आया था और नमकीन ले आया था। तो गाइस मिल के तो जाएंगे भले ही जितना टाइम लग जाए आज, मुझे लोग भाई लोग भी आए हैं सब, वही सब काफ़ी दूर दूर से हैं गाइस, कोई पास का नहीं है, सब 50 किलोमीटर के आगे ही से अब आए हैं, बस उम्मीद लेके आए हैं कि मिल ले आज उनसे। सो गाइस आप देख सकते हैं गोरे लाल आ गए हैं, और लेकिन अभी गेट नहीं खुला है, शिवानी जी अंदर ही हैं, अभी आई नहीं है, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम हो गया है गाइस, 4:30 बज गया लगभग। सो गाइस पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और शाम का बज गया है 5, लेकिन अभी तक आई नहीं बाहर शिवानी कुमारी। अब कार से आ रहे हैं लोग मिलने के लिए, UP 77 सब बाहर से आ रहे हैं, और लेडीज़ भी अभी आई हैं 2-3। चलिए देखते हैं अभी। सो गाइस परमिशन अभी मिल गई हैं, और अभी आई थी शिवानी जी तो बाहर आई थी, तो कह रही थी अभी आ रहे हैं 2 मिनट रुकिए, तो अभी काफ़ी पब्लिक हो गई है, तो अभी चलिए मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं। और ये आप देख सकते हैं ईशा खड़ी है। दीदी मैं भी सीतापुर से आया हूँ, 170 किलोमीटर दूर से, इससे पहले भी मैं आ चुका था, तब मिल नहीं पाया था आपसे, आप कानपुर गई थी। तो दीदी रात नहीं है, बहुत कम रात है, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तब आए थे, और कल मेरा बर्थडे भी है। कल बर्थडे दीदी, हैप्पी बर्थडे एडवांस दीदी, हैप्पी बर्थडे एडवांस दीदी। दीदी मेरे फॉलोअर्स के लिए कुछ कह दीजिए। भैया के फॉलोअर्स जितने देख रहे हैं, भैया का लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी से पहले परमिशन ले ली तब व्लॉग बनाया, काफी अच्छा लग रहा है, दीदी मिलने आई, दिल की बहुत अच्छी है। अब जी को फोटो ले लो ना, दवाई से सही नहीं होता है ये, ईशा और गोरे लाल हैं। इससे पहले भी दीदी आए थे, मिल नहीं पाए थे, लेकिन इस बार बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं अंदर तक जा चुका हूँ अच्छा। जी जी 2-3 संडे पहले आया था, 2 हफ्ते पहले लेके गए थे नहीं दीदी, तब आप कानपुर गई थी, वेट कर रहे हैं। सो फाइनली गाइस जो सपना था वो पूरा हो गया, शिवानी कुमारी जी फाइनली मेरे सामने, और बहुत अच्छा लगा मिलके, और काफी समय से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। दीदी मेरा भी YouTube का चैनल है, अभी स्टार्ट किया जल्दी में, शहबाज ब्लॉग्स, तो कह दीजिएगा शहबाज ब्लॉग्स को सपोर्ट कर दीजिए। भैया सपोर्ट करो, लेकिन आप भी मेहनत करो। जी जी मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ। सो फाइनली गाइस शिवानी दीदी के घर पे आए थे, और उनसे आज मिल लिया, जो एक सपना था वो पूरा हो गया है, ड्रीम था। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और काफ़ी व्यूवर्स आए हैं। शिवानी दीदी ये ब्लॉग जरूर डाल देना, और दीदी ने भी ब्लॉग बनाया हम लोग का जो है स्टार्ट करा था। हम परत करा थोड़ी देर, हम सो ले 4:05 हो गए, हमने तो सो लो है, छुट्टिया कर ली है, बोले भैया लोग आए हैं बाहर ठाड़े हैं, पता नहीं कैसा पता चल गो कि हम घर हैं।
बर्थडे की बधाई देना है, कल मेरे बर्थडे, आज हम कानपुर चले जाए या फिर। हेलो, बहुत बड़े फैन है हम लोग आपके, बहुत दूर से आए, बहुत दूर से आए। दीदी अब हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं आप लोग के साथ, कोई दिक्कत नहीं? बहुत लोग भैया आए हैं ये भैया, इतने लोग भैया मिला नहीं पाए थे। बहुत ज्यादा खुशी हुई, पहली बार फर्स्ट टाइम शिवानी जी से मिले, एक उम्मीद थी जो आज पूरी हो गई है, एक सपना था जो पूरा हो गया। बर्थडे कल मना रहा है। ए परेशान ना करो भाई यार, परेशान ना करो जी, वो जब कह रही हैं, वो जब बता रही हैं प्यार से, फिर भी सब लोग को मौका दे दो मिलने का आराम से, कोई दिक्कत थोड़ा ना उसमें। इधर देखो ये गोरे लाल भैया खड़े हैं, सनी दीदी का फोन देखो। ठीक है दीदी, दीदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू दीदी। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप मिली हम लोग से। तो अभी ईशा आ रही है, ईशा के साथ भी फोटो एक ले लिया जाए। ये है ईशा गाइस, ये ईशा है जो शिवानी कुमारी के ब्लॉग्स में आती हैं, इनकी मौसी है शिवानी कुमारी जी। ईशा हाय बोल देना व्यूवर्स को। सो फाइनली गाइस शिवानी कुमारी जी से मिल ली हैं और काफ़ी अच्छा लगा है, और अभी वो चली गई घर के अंदर, और भाई आए थे मिल लिए, जितने लोग आए थे सब मिल चुके हैं, और काफ़ी अच्छा लगा, सब खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि एक आस थी मिलने की उनसे, वो पूरी हो गई है, और मेरा भी सपना था उनसे मिलने के लिए, पिछली बार भी आया था नहीं मिल सका था। तो चलिए ठीक है, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।